This is an ABP Life podcast. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे यायर नेतन्याहू ने फारस की खाड़ी में स्थित कतर पर आतंकवादियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। रविवार को फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम के दौरान यायर ने कहा कि आतंकवादियों को फंड देने के मामले में कतर दुनिया में दूसरे नंबर पर है। यायर की लिस्ट में टॉप पर इजराइल कट्टर दुश्मन है, जबकि नेतन्याहू के बेटे ने कतर पर यह हमला ऐसे समय में किया जब गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ डील में केंद्रीय मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। और इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मिडिल ईस्ट के जानकार कमर आगा जी हैं। कमर आगा जी, संवाद पर स्वागत है आपका। इस वक्त क्योंकि 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है हमास और इजराइल की जंग का, आप कैसे देखते हैं इसको? IDF तो शुरू से कह रही है कि ये जंग आसानी से नहीं जीती जा सकती, और वो ये कह रहे हैं कि आप बातचीत कीजिए। ये कई बार उनके जो वरिष्ठ लीडर्स हैं सेना के अंदर, जो उन्होंने ये बात कही है, और हमें ये वो जो पॉलिटिकल डिसीजन है उसके साथ साथ वो लड़ाई भी लग रही है, और बहुत मुश्किल होता है इस तरीके की जंग में जीतना। ऑब्जेक्टिव इतना बड़ा है कि उसको अचीव करना बड़ा मुश्किल काम होता है। मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम हमास को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, हमास का कोई रोल नहीं रहेगा वहां के ऊपर फिलिस्तीन के अंदर। हमास में जो है ये एक आइडिया है, आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी को समाप्त करना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर ऐसे समय में जब लड़ाई चल रही है, उसमें हमास का कहना ये कि नए नए लड़के बहुत ज्वाइन कर रहे हैं, उनको तो थोड़ी सी ट्रेनिंग दे के लगा के हैं उनको, तो ये बहुत मुश्किल है। कतर का जहां तक सवाल है, कतर तो इनके पक्ष में है, जिसे कहना चाहिए बातचीत करता है कि जंग खत्म हो। अमेरिका का बहुत घनिष्ठ मित्र है, अमेरिकन जो सेंट्रल कमांड है वहां पे आर्मी की, उसका वो कतर हेडक्वार्टर है, एयर फोर्स का सेंट्रल कमांड की फोर्सेस जो है उसका हेडक्वार्टर जो है वो बहरीन में है। ये लोग तो बहुत इजिप्ट हुआ, कतर हुआ, या प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट, यू नो, लेकिन ये है कि ये लोग एक लिमिट तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन जो है, अरे बल्कि बहुत बदली भी है वहां पर, काफी गुस्सा भी नजर आता है आम जनता में, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है, न्यूज पेपर सब कंट्रोल है, तो पता नहीं चलता, इसीलिए सडनली बर्स्ट हो जाता है इन सब देशों में, हमने देखा है। और लेकिन आप कह रहे हैं सर कि कतर जो है वो अमेरिका प्रो है, लेकिन इजराइल के जो पीएम नेतन्याहू के बेटे यायर नेतन्याहू ने कहा कि फारस की खाड़ी में स्थित कतर पर आतंकियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया, तो ऐसा क्यों? उनके कहने के दो मतलब है। एक तो पहली बात ये है कि वहां के ऊपर हमास के जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं सब वहीं रहते हैं, और वो वहां पर इसलिए रहते हैं कि अमेरिका भी चाहता है कि वहां रहें, ताकि बातचीत कभी भी जिस स्टेज पे करनी है। जैसे एकदम पहले तालिबान सब वहां पे थे सारे ऑफिसर, बाद में तालिबान से बातचीत कराने में कतर ने मदद की और फिर अमेरिका वहां से विड्रॉ किया। इसी तरह अमेरिका चाहता था कि हमास के भी लोग वहां रहें, ऐसा ना हो कि कहीं ऐसे देश में चले जाए जो अमेरिका के विरुद्ध है, तो उनकी फंक्शनिंग और आसान हो जाएगी। दूसरे ये है कि कतर से वो इसलिए भी नाराज है, नेतन्याहू पर्सनली नहीं चाहते कि कोई बातचीत हो, वो साफ साफ कहते हैं उनके मुद्दे बहुत क्लियर हैं कि जब तक के हमास का हमेशा से अंत नहीं होगा तब तक ये युद्ध चलता रहेगा, और अंत होता दिखाई नहीं देता, इसलिए बहुत मुश्किल ये उन्होंने गोल सेट किया है। इसलिए हमास एक आइडियोलॉजी, एक मूवमेंट है, और हमास का कहना यह है कि नए नए लड़के बहुत से ज्वाइन भी कर रहे हैं, जिनके भाई बहन मारे गए हैं, या फैमिली, या जिनके मकान गिराए गए हैं, जिनको गुस्सा है वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग इनकी होती नहीं, हर तरह की होती नहीं, उनको थोड़ा सा ट्रेन करके इनका इस्तेमाल कर रहा है हमास। तो ये एक गोल ऐसा है जिसमें बहुत समय, लेकिन एक चीज तो जरूर है कि जो गाजा स्ट्रिप है उसमें ऐसी स्थिति इन्होंने क्रिएट कर दी है
कि वहां पे कोई रह नहीं सकता। जमीन फैल रहा है, लोग उससे मर रहे, बच्चे तो मर रहे हैं बहुत जमीन से भी। और दूसरी बात ये कि बिल्डिंग 80% से भी ज्यादा गिरा दी गई है, जो थोड़ी बहुत गिरी है वो भी गिर जाएंगी, बची हुई वो भी गिर जाएंगी। तो इन हालात में वहां कौन रह पाएगा? इतना मलबा है, मलबा के अंदर बहुत सैकड़ों बॉडीज बरीड है, और दूसरी बीमारी का भी डर है। पानी बिजली कुछ है नहीं वहां पे, कंट्रोल वे में आती है। तो वो जो चाहते थे कि किसी भी सूरत से इस एरिए को खाली कराया जाए, खाली नहीं कर रहे मगर वो लोग अभी। और इनका मानना ये है कि कब तक नहीं करेंगे, एक स्टेज पे करेंगे खाली। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ग्रेटर इजराइल बनाने का है, जिसमें उनका कहना ये है कि वेस्ट बैंक यानी पश्चिमी तक जो है ये बिब्लिकल लैंड है, और ये कहते हैं जिसको वो खाली नहीं कर सकते, कैसे करें? उनके किंग्स एंड प्रॉफिट्स यहाँ पे रूल किया है या रहते थे। फिर उसके बाद जेरूसलम को भी वो कहते हैं ये भी पार्ट है उनका इजराइल का। तो और गाजा के लिए ये कहते हैं कि ये बिब्लिकल लैंड नहीं है, मगर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इस समय यू नो ऑपरेशन बड़े लार्ज स्केल पे वेस्ट बैंक में भी चल रहा है, जिसमें कई हजार लोग मर चुके हैं पिछले दिनों में। नई नई सेटलमेंट पॉलिसी भी अनाउंस हो रही है, उसमें और जमीन कन्फिस्केट की जा रही है वहां के ऊपर वेस्ट बैंक में। तो ये इस तरह से देखा जाए तो गाजा में अल्टीमेटली क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये वहां पे इन लोगों के लिए रहना आसान काम नहीं। लेकिन क्योंकि इस वॉर में 34,000 से ज्यादा लोग डेथ हुई है, तो आप भी अगर वॉर खत्म नहीं हो रहा और आप कह रहे कि इजराइल नहीं चाहेगा वॉर खत्म करना, तो उसकी क्या वजह है? देखिए हत्याएं तो हुई है लेकिन इतनी नहीं हुई है जितनी उनके क्रिटिकल पॉइंट पे होता। वो और फिर मेरा ख्याल ये है कि इन्होंने कुछ डेटा भी नहीं रिलीज किया है एक्चुअल डेथ का, तो वहां की जनता जानती भी नहीं है। उन लोगों को काफी फेथ है इस ऑर्गेनाइजेशन पे, इस गवर्नमेंट के ऊपर। तो मुश्किल है, देखिए एक साल होने जा रहा है लेकिन थमने का नाम ही नहीं लेती। फैलने का और डर लग रहा है कि कहीं लॉकडाउन से फुल फ्लैश वॉर ना हो जाए। तो मुझे लगता है कोई तो अच्छी की बात नहीं होगी अगर ऐसा हो जाता है। इसलिए दूसरी तरफ लेबनान भी लगातार अटैक कर रहा है इसराइल के ऊपर, इसराइल उन पर अटैक कर रहे हैं। और हिजबुल्ला का कहना यह है ये अटैक तब तक चलते रहेंगे जब तक कि इसराइली गाजा से निकल न हो या सीसा न हो। गंभीर सिचुएशन है, डर इस बात का है कि ये क्षेत्र में ना फैल जाए। ये ऑलरेडी फैल चुकी है, लाल सागर में अमेरिका को बहुत छोटे से डिप्लॉय करने वाले हैं, उसके बाद भी अटैक्स हो रहे हैं। बाहर के जो लोग हैं उन सब पे ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ठीक है, कोई टॉपिक नहीं कि ये जंग फैल ना जाए। ठीक है जी, क्षेत्रीय युद्ध होगा अगर होगा तो, लेकिन ये कि अगर ईरान को भी वो कहते हैं एनिमी नंबर वन, ईरानी को कहते हैं, उनका मानना ये अगर ईरान को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, ये रिजीम हटा दी जाए, तो फिर मसले हल हो जाएंगे। लेकिन ये रिजीम आसानी से ईरान मतलब मुझको जाती भी नहीं दिखती, रिजीम स्ट्रांग है, हाथों में काफी फेवर है इसके उसमें, तो क्या होगा ये बड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन अभी तक चाहे इसराइल हो या फिर हमसी हो, क्या अचीव किया है लोगों ने, क्या हासिल क्या हुआ है? एक साल करीब 9 महीने ज्यादा होने जा रहे हैं जंग, हासिल कुछ भी नहीं हुआ है। इसराइल अपना ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा कर पा रहा, लेकिन दूसरी तरफ हमस ने गाजा को बर्बाद कर दिया बिल्कुल। वहां पे कुछ है ही नहीं, बिल्डिंगे गिर गई, लोग टेंट में पड़े हुए हैं, कोई सेफ नहीं है। अनाउंस करते हैं कि आप नॉर्थ से साउथ में चले जाओ या साउथ से और दूसरी तरफ चले जाओ, तो वो जब जाने लगते हैं तब उनके ऊपर भी अटैक करते हैं। और
ये है, इनका पुराना प्लान यही था कि ऐसी सिचुएशन कर देंगे कि ये लोग, इनका दबाव इजराइल पे था, सॉरी इजिप्ट पे था, कि इजिप्ट जो है जो फिलिस्तीनी आए उनको ले जाके गाजा में जो है इनको मेडिटेरेनियन सी पे कहीं के आस पास, सॉरी मेडिटेरेनियन प्लीज करेक्ट कर लेना, ये जो सीनाई डेजर्ट है उसमें एक नया सिटी बना के इनको सेटल कर दिया जाए, और उसके बदले में इन्हीं ने कहा था कि जो इनके लोन है बहुत हैवी वर्ल्ड बैंक और दूसरी जगह से, इसलिए ने कहा था कि हम कोशिश करेंगे तो बैंक छूट दे ले। इसमें सर एक टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि नेतन्याहू ने IDF चीफ को भारी लतार लगाई है, एक तरीके से जहर लगाई है, और कहा है कि हमास के खिलाफ ऑपरेशन में ढिलाई और अभी तक इजरायली बंधकों को रिहा न कर पाने की चीज नेतन्याहू को परेशान कर रही है, इसको लेकर उन्होंने जहर लगाई है। जो IDF देखिए इन जगहों पे लड़ना आसान काम नहीं होता, रेगुलर आर्मी से लड़ना आसान होता है, उसका उनको एक्सपीरियंस भी है, आर्मों को हराया भी है कई बार, लेकिन ये गोरिल्ला वार तो बहुत ही मुश्किल होती है जीतना, तो मालूम नहीं है कौन कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिलिस्तीनी काफी तैयार है, उन्होंने अपने यहाँ पूरा नेटवर्क अंडरग्राउंड बना रखा है जिसमें सब कुछ सारी फैसिलिटीज है, हमस वाले वहां पे रहते हैं, तो ऐसी उसको मैं समझता हूँ कि IDF क्या कोई भी सेना के लिए आसान काम नहीं होता ऐसे ग्रुप से लड़ना और जीतना। तो आप जो इजराइल और हमास की जो जंग है इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप, क्या कुछ होने वाला है भविष्य में? ये अनिंदी वार है, वार के मसलों से के माध्यम से हल नहीं हो सकता, मैं समझता हूँ एक ही माध्यम है कि बातचीत हो, बातचीत, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि ये झगड़ा तब तक चलता रहेगा जब तक कि इजराइल का ऑक्यूपेशन है पैलेस्टीनियन टेरिटरीज पे, सभी देश का मानना यह है कि फिलिस्तीन का गठन होना चाहिए, टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन अमेरिकन यूरोपियन उसको प्रेस नहीं करते अभी, लेकिन मानते हैं कि ये फिलिस्तीनी लैंड है। जब तक ये सेटलमेंट नहीं होगा मेरा ख्याल है कि अब इनकी समझ में आ जाना चाहिए कि सेटलमेंट के लिए फिलिस्तीनी से कम पे अपराधी नहीं होगा। जी तो जाहिर तौर पर इस युद्ध में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन नतीजा अब तक कुछ भी नहीं निकला और कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि ये युद्ध कब खत्म होगी। कमर आगा जी, एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। दिस इज एन ABP लाइव पॉडकास्ट।